गुरुग्राम के नू में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी ने नू की जनता से वोट की अपील की। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राव इंद्रजीत ने लोगों को संबोधित किया। गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नू में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। क्षेत्र में किए विकास कार्यों को गिनाते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने निरंतर विकास के कई बड़े दावे किए। राव इंद्रजीत ने नूह की जनता को अपना हितैषी बताते हुए कहा कि मैंने हर वर्ग धर्म को एक माना है। नूह के लोगों का हमारे समाज के साथ गहरा रिश्ता रहा है। नूह के लोग अगर मेरे पास आए तो मैं कभी उनके काम को मना नहीं करूंगा। हमारा वास्ता एक साल का नहीं, दस साल का नहीं, सैकड़ों साल का है। और मैं आज आपको जब बोल रहा हूं, हालांकि मैं मेवाती नहीं हूं, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि कोई शख्स मेरे पास आया हो दिवाली का हो, कोई शख्स मेरे पास आया हो गुड़गांव का हो, कोई शख्स मेरे पास आया हो मेवात का हो, मैंने इनके अंदर बिल्कुल भी फर्क नहीं आका। अगर उसकी बात जायज थी तो उसके लिए मैंने अपनी आवाज बुलंद करी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नूह में हुई विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के कार्यशैली को जनता के सामने रखा और साथ ही 2014 से 2024 के सफर को दर्शाते हुए पार्टी की खूबियों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के कार्यकाल में होने वाले कामों का जिक्र किया, साथ ही आज के भारत और प्रदेशों में हुए विकास के बारे में जानकारी दी। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत के लिए वोट की अपील की। कांग्रेस लंबे समय तक जब उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए तो हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। काम नहीं हुए हैं, परंतु लोगों को भय दिखा करके, लोगों को डरा करके ये घमंडिया गठबंधन के लोग वोट बटोरते रहे हैं। इस बात को हमें समझना है भाइयों। वो पीड़ा वो राम साहब ने आपके बीच में रखी है कि 2014 का मेवात, 2024 का मेवात, अरे कोई अंतर तो नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखना होगा कि नू की जनता बीजेपी नेताओं की बातों को कितना समझती है और उनके किए वादों पर कितना विश्वास जताती है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज़।